सुप्रभात, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आपका फिजिक्स टीचर सुनील कुमार शर्मा, वेलकम इन फिजिक्स ऑनलाइन क्लास। फिजिक्स ऑनलाइन क्लास की सीरीज में हम नेटवर्क थ्योरम, मिलर थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले थेवेनिन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम के बारे में पढ़ा। आज हम मिलर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। मिलर थ्योरम क्या है? मिलर थ्योरम एक फोर टर्मिनल नेटवर्क से संबंधित थ्योरम है। फोर टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा भी है। फोर टर्मिनल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जिसके चार सिरे होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, फोर टर्मिनल नेटवर्क। इसमें चार क्वांटिटीज होंगी। इसको डिफाइन करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वोल्टेज V1 और वोल्टेज V2, ये इनपुट पोर्ट की वोल्टेज है और ये आउटपुट पोर्ट की वोल्टेज है। करंट I1 और करंट I2, इनपुट पोर्ट की वोल्टेज V1, करंट I1, आउटपुट पोर्ट की वोल्टेज V2 और करंट I2, इसको हम कहते हैं फोर टर्मिनल नेटवर्क। तो मिलर जो थ्योरम है वो फोर टर्मिनल नेटवर्क से रिलेटेड थ्योरम है। किसी चतुर टर्मिनल जाल जिसका वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, वोल्टता प्रवर्धन का मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज A है, वह निवेशी तथा निर्गत के मध्य प्रतिबाधा कितनी है, Z है, तब जाल की या नेटवर्क की निवेशी प्रतिबाधा Z अपॉन 1 माइनस A होगी और आउटपुट या निर्गत प्रतिबाधा AZ अपॉन A माइनस 1 के बराबर होगी। ये है मिलर थ्योरम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बोल देता हूं, आउटपुट एंड इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एनी फोर टर्मिनल नेटवर्क विल बी AZ अपॉन A माइनस Z। ये क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस है। एंड Z अपॉन A 1 माइनस A, ये है इनपुट इम्पीडेंस रेस्पेक्टिवली। इफ वोल्टेज गेन ऑफ नेटवर्क इज A, वोल्टेज गेन कितना हो फोर टर्मिनल नेटवर्क का, A, एंड इम्पीडेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज Z, इनपुट और आउटपुट के मध्य जो इम्पीडेंस हो कितना हो, Z। ओके तो ये हमारा एक फोर टर्मिनल नेटवर्क है। इसके इनपुट और आउटपुट पोर्ट है, ये इनपुट पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है। इनपुट पोर्ट के बीच में हमने वोल्टेज लगा रखा है V1, आउटपुट पर हमें वोल्टेज मिल रहा है V2। इनपुट और आउटपुट को हमने एक Z इम्पीडेंस के माध्यम से कनेक्टेड किया हुआ है। इनपुट से Z की ओर करंट फ्लो हो रही है I1, आउटपुट से Z की ओर करंट फ्लो हो रही है I2। ये हमने एक फोर टर्मिनल नेटवर्क एज्यूम कर लिया, मान लिया। वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन गेन A इक्वल टू वोल्टता प्रवर्धन गुणांक कितना होगा, A इक्वल टू V2 अपॉन V1, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। यहां से इससे V2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, A इंटू V1, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज गेन इंटू इनपुट वोल्टेज। करंट टुवर्ड इनपुट टू इम्पीडेंस Z, जो करंट प्रवाहित हो रही है निवेशी टर्मिनल से इस इम्पीडेंस Z की ओर, वो कितनी है, I1। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, KCL से, यहां KCL अप्लाई होगा, तो KCL से कितनी होगी, V1 माइनस V2 अपॉन Z। V1 की जगह V1 है, माइनस V2 की जगह क्या पुट अप कर दो, A माइनस V1, तो V2 की जगह क्या पुट अप करना है, AV1, तो AV1 अपॉन Z। V1 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो V1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस A अपॉन Z। ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, I1 के इक्विवेलेंट।
इसको इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। तो समीकरण वन से आई वन को यहां ले आओ तो वी वन अपॉन आई वन इक्वल टू जेड अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस ए। फ्रॉम इक्वेशन वन जेड इन इक्वल टू जेड अपॉन वन माइनस ए, ये इनपुट इम्पीडेंस हो गया और ये किसके अकॉर्डिंग है, मिलर थ्योरम के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही करंट फ्रॉम आउटपुट टू जेड, इस आउटपुट से निर्गत से जेड की ओर कितनी करंट फ्लो रही है, आई टू। आई टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी होगी, वी टू माइनस वी वन अपॉन जेड। आई टू इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन जेड, वी टू की जगह वी टू रखना है माइनस वी वन, वी वन की जगह हम क्या रख सकते हैं वी वन, तो वी वन की जगह आ जाएगा वी टू अपॉन ए। यहां से वी वन इक्वल टू वी टू अपॉन ए, ये वैल्यू यहां पुट अप कर दो तो वी टू माइनस वी टू अपॉन ए इंटू अपॉन जेड, यहां वी टू कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस वन अपॉन ए अपॉन जेड, या वी टू ए माइनस वन, ए नीचे आ जाएगा तो ए जेड। इसको इक्वेशन नंबर थ्री, ये किसके इक्विवेलेंट है, आई टू के इक्विवेलेंट। क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज वी टू और आउटपुट करंट आई टू, वी टू को यहां ले आओगे तो वी टू अपॉन आई टू, ये इधर जाएगा तो ए जेड अपॉन ए माइनस वन, ये हो गया आपका आउटपुट इम्पीडेंस। ये जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो किसके इक्विवेलेंट है, मिलर थ्योरम के अकॉर्डिंग है। इक्वेशन टू एंड फोर, इक्वेशन टू किसकी वैल्यू दे रहा है, इनपुट इम्पीडेंस की, एंड फोर किसकी वैल्यू दे रहा है, आउटपुट इम्पीडेंस की। तो इक्वेशन टू एंड फोर आर अकॉर्डिंग टू मिलर थ्योरम, सो मिलर थ्योरम इज ट्रुथ, ये इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।